अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग कुर्ती पड़ी है या इस तरह की शॉर्ट कुर्ती पड़ी है तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है कुछ नया और क्रिएटिव तैयार करने के लिए, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट कुर्ती ली है, इसका कलर वगैरह सब ओके है, बस ये फिट नहीं आती तो इसलिए मैंने इसे हटा दिया है। इसे हम फेंकेंगे नहीं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसके स्लीव्स को सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरह से इसके स्लीव्स में जो है सिलाई लगी हुई थी, जिनको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, अगर नॉर्मल स्लीव लगी हैं तो भी आपने इसी तरह से कट करना है उनको। स्लीव्स को हमने अलग कर लिया है और ये पीस हमारे पास बचा है तो इसे भी कट करेंगे हम। दोनों पीसेस को इस तरह से फोल्ड करके मिला लेते हैं और इसे एक प्लेन सरफेस पर फैला देते हैं इस तरह से। इसका जो नीचे गोलाई वाला पार्ट है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये नीचे से तैयार हो गया है और इसके बाद नीचे से हमने 6 फिंगर जितना लिया है, क्योंकि हम नीचे फोल्ड भी करेंगे, और इस तरह से निशान बनाते हुए इसे हम कट कर लेंगे, जिस तरह से हम शॉर्ट्स की कटिंग करते हैं उसके लिए कट किया है। इसे थोड़ा ही कट करना है, 4 फिंगर जितना भी ले सकते हैं, ज़्यादा लंबा कट ना लगाएं यहाँ पर। और इसका जो थिक पार्ट है साइड में सिलाई वाला, उसे भी हम ट्रिम कर लेंगे बिल्कुल बराबर में। फिटिंग हमें देनी होगी तो हम बाद में दे देंगे, अभी हमने सिर्फ इसी तरह से कट कर लिया इसको। और इसमें ये जो डोरी लगी है गले पर, इसे निकाल देते हैं और ये पीस हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए, ओपन करके इस तरह से दिख रहा है। और इसकी जो स्लीव्स हैं, इसमें से हमने 2 पट्टियाँ निकाल ली हैं। तो ये हमने एक पट्टी निकाली है और इसे बीच से कट करके हम 2 स्टेप्स निकाल लेंगे इसी में से। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है और इसके बाद हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सिंपल सिलाई लगानी है इसमें, साइडों में सिलाई लगाएंगे पहले। तो इस तरह से हम एक बेबी ड्रेस तैयार कर रहे हैं। साइडों में हम पहले सिंपल सिलाई लगा रहे हैं और ज़रूरत होगी तो बाद में हम थोड़ी सी सिलाई और लगा लेंगे। बच्चे को पहनाकर चेक कर लें नाप से और सिलाई लगा सकते हैं उसके बाद। ये इसका दूसरा साइड है, यहाँ पर भी लगाते हैं सिलाई। इसकी दोनों साइड्स स्टिच हो गई हैं, ये देखिए नीचे से इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए इसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, जैसे शॉर्ट्स के नीचे वाला पार्ट होता है उस तरह से फोल्ड करना है इसे। दोनों साइड्स में हम पहले से फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। ये दूसरा पार्ट है, इसे भी सिल लेते हैं इसी तरह से। हल्का सा फोल्ड करते जाइए और एक सीधी सिलाई लगानी है इसमें। तो इसकी कटिंग भी बहुत आसान है और स्टिचिंग भी बहुत ही आसान है इसकी। बहुत ही आसानी से किसी भी पुरानी कुर्ती से ये भी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। दोनों साइड में सिलाई लगा दी हैं और अब हम इसे सेंटर से स्टिच करते हैं। मिला देते हैं दोनों साइड्स को और डबल सिलाई लगाएंगे सेंटर में, जिससे ये मजबूत रहेगा। और इस तरह से नीचे का पार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी ड्रेस में टॉप और बॉटम पार्ट दोनों अटैच्ड हैं। तो एक सिंगल ड्रेस से आप इस तरह की ड्रेस तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, नीचे से बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ऊपर की तरफ स्लीव्स की जो सिलाई है उसे लगा लेते हैं। ये देखिए, हल्का हल्का सा कपड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पर लगा लेते हैं सिलाई। दोनों साइड्स की स्लीव को इसी तरह से फोल्ड करेंगे और नेक के पार्ट को कुछ नहीं करना है, वहाँ पर ऑलरेडी सिलाई हो रखी है, पाइपिंग लगाई हुई है प्लेट्स के साथ में, तो उसे मैंने कट नहीं किया है, उसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। एक साइड रेडी हो गई है और इसी तरह से दूसरी साइड को भी तैयार करना है।
ये भी हमने तैयार कर ली है। और बीच में जो एक कट लगा है उसे हमने सुई धागे से स्टिच कर दिया था, गले के आगे की तरफ जो कट लगा था उसको। और इसके बाद हमने स्ट्रिप्स कट कर ली हैं दोनों, और इसे हम पहले स्टिच कर लेते हैं इस तरह से। और इसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे, क्योंकि इस तरह की ड्रेस है इसमें इलास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, इसे पहनने में आसानी होगी इसको। तो साइड्स में लगाने के लिए हम दोनों स्ट्रिप्स रेडी कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इलास्टिक हमने कट कर ली है, दो इलास्टिक कट की हैं बराबर साइज की। और इसे हमने इस स्ट्रिप के साथ में इस तरह से अटैच करना है। ये देखिए लगा दिया है, और इलास्टिक को खींचते हुए हम इसे स्टिच कर रहे हैं। जो डोरी है उससे छोटी साइज में है इलास्टिक, कम से कम 3 इंच से छोटी है। ये देखिए इलास्टिक को इस तरह से खींचना है और स्ट्रिप के साथ इस तरह से स्टिच करते जाना है इसको। ये देखिए ये स्ट्रिप्स पीछे से मुड़ती जाएगी इस तरह से हो जाएगी। ये तो दोनों पट्टियां हमने इसी तरह से तैयार करनी है। ये देखिए ये पट्टियां हमने तैयार कर ली हैं। और इसके बाद हमने एक और कपड़े का पीस कट किया है, दो पीस बराबर के कट किए हैं वो तैयार करने के लिए। तो ये देखिए हम इन्हें पिलो केस की तरह बना रहे हैं, दो साइड में सिलाई लगाएंगे पहले, और उसके बाद तीसरी साइड है उसे भी स्टिच कर लेंगे। तो चलिए पहले दोनों पीसेस को हम सिल लेते हैं, और उसके बाद सीधा करने के बाद इनको स्टिच करना है। ये कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लें कैंची की हेल्प से। हमने सिलाई लगानी है इसमें। कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड किया है और स्टिच कर लिया है इसको। और इसमें हम पूरे पर ही सिलाई लगा देते हैं चारों तरफ, जिससे और अच्छा दिखेगा। तो कुछ इस तरह के स्क्वायर पीसेस हमने तैयार करने हैं बो बनाने के लिए। दोनों पीसेस रेडी हो गए हैं। अब मैंने लिया है सेम कलर का सुई धागा, धागा मैंने सेम कलर का डाला है पिंक, और इस तरह से बिल्कुल सेंटर में आपने सिलाई लगानी है इसमें। इस तरह से हमने एक पीस तैयार किया है, और उसी तरह से हमें दूसरा पीस रेडी करना है। सिलाई लगा करके धागे को 4-5 बार अच्छे से लपेटना है, इससे ये अपनी शेप ले लेगा। और उसके बाद टांका लगा करके थ्रेड को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने दो पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको लगाएंगे। तो ये देखिए स्ट्रिप्स मैंने सुई धागे से ही अटैच की हैं इसमें दोनों तरफ, और आगे की तरफ मैं लगा रही हूँ बो। इस तरह से इसे भी हमने सुई धागे से टांग दिया है, और ये देखिए ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से सिलाई लगाई थी सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाई थी, और उसके बाद हमने स्लीव्स तैयार की थी। स्लीव्स लगाने के बाद हमने स्ट्रिप रेडी कर ली थी, इसमें सुई धागे से टांग दिए थे, और उसके बाद हमने इसमें बो लगा दी हैं। और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद ये देखिए ड्रेस देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही आसानी से तैयार हो गई है। किसी भी पुरानी कुर्ती से आप इसे तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए ड्रेस का जो नेक है कितना सुंदर दिख रहा है, पहनने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप अपनी कुर्ती से कम 8 या 6 साल के बच्चे के लिए ये ड्रेस तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही आसानी से बन जाती है, कटिंग भी आसान है। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह की कुर्ती पड़ी है तो आप उसका इस्तेमाल करके इतनी सुंदर सी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। आप बच्चे को पहना के देख लें, साइड में अगर ज़रूरत है, साइड में ज़्यादा लूज आ रहा है तो आप उसे थोड़ी सी सिलाई लगा करके फिट कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।